मैं जैस्मिन, आज मैं आपको मैगी बनाना सिखाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, हमारा पैन गर्म हो चुका है। हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। गाइज, हमने एक प्याज ली है, उसको बारीक काटेंगे और काट के हम इसमें मिलाएंगे। गाइज, हमारा प्याज गोल्डन हो रहा है जब तक हम ये मैगी। जैसे गाइज, ये हमने 3 पैकेट लिए हैं, इन पैकेट्स में से एक पैकेट हम छोड़ देंगे और कुछ पैकेट को हम इस तरीके से यूँ कर लेंगे, इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे। प्याज गोल्डन हो चुका है, हम अब इसमें टमाटर डालेंगे। गाइज, इस तरीके से हम मिलाएंगे और इसमें हम मसाला डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा और 1 स्पून हम लाल मिर्च डाल देंगे। इस हम इसको मिलाएंगे। इसमें गाइज हम मैगी मसाला भी हम हैंड टू हैंड रख देंगे तरीके से। अब मैंने इस तरीके से मसाला भून लिया है, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा मिलाकर हम इसको अच्छी तरह से मिला करके और ढक देंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे और हमारा मसाला भून चुका है। गाइस, हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें मैगी डालेंगे। देखिए आप, जो हमने क्रश किया था। गाइस, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी आपकी मैगी और इसमें मैंने कुछ भी कोई भी मसाला यूज नहीं किया है, सिर्फ नमक और मिर्च यूज किया है। मैगी डाल के हम थोड़ा सा हल्का चलाएंगे, चलाने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। गाइस, मेरा तरीका आप यूज़ करिएगा और 10 मिनट के अंदर ही आपकी मैगी तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी मैगी बनेगी और बहुत ही कम मसालों में। और इसको हम आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ढक करके, आप मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा। गाइस, इसके ऊपर से आप मैगी मसाला डाल दीजिएगा या इसको ढक के छोड़ दीजिएगा हाई फ्लेम पे 5 मिनट के। इस 5 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारी मैगी तैयार हो चुकी है या नहीं, चेक करके बताते हैं। गाइस, इस तरीके से हम हिलाएंगे। माशाल्लाह, हमारी मैगी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। गाइस, अब हम इसको सर्व करेंगे और सर्व। गाइस, आप देख सकते हैं कितने मसालेदार बनी है और देखने में भी कलर भी अच्छा आया है। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ये लगा। हमारी मैगी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।